तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू 5 दिन की यात्रा पर दिल्ली में हैं। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। साफ है कि मालदीव की सत्ता संभालने के बाद भारत विरोधी रुख अपनाने वाले मुइजू के तेवर नरम पड़ गए हैं। देर आए दुरुस्त आए, इन तस्वीरों को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मालदीव के राष्ट्रपति भारत के पहले राजकीय दौरे पर दिल्ली पहुंचे। मुइजू के साथ मालदीव की फर्स्ट लेडी साजिदा मोहम्मद भी दिल्ली पहुंची हैं। मोहम्मद मुइजू 10 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। मुइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा मुइजू मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मोहम्मद मुइजू का इस साल ये दूसरा भारत दौरा है। इससे पहले जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने दिल्ली आए थे। मुइजू के इस दौरे को दोनों देशों के बेहतर होते रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। असल में नवंबर 2023 में मुइजू के सत्ता संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा हो गया था। मुइजू राष्ट्रपति बनने से पहले ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, मुइजू अपनी पहली स्टेट विजिट पर चीन गए थे। इसके पहले मालदीव का हर राष्ट्रपति पहला दौरा भारत का ही करता आया था। ऐसे में सवाल यह है कि मुइजू का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जवाब ऐसे समझिए, मालदीव की GDP 62,334 करोड़ रुपए की है। मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन के कर्ज चुकाने की किस्त में खर्च हो जाता है। मालदीव चीन की कर्ज वाली चाल में फंसता जा रहा है। इसके साथ ही मालदीव को इन दिनों भीषण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सितंबर में मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $440 मिलियन का रह गया था, जो कि महज 1.5 महीने के आयात के लिए काफी है। ABP News आपको रखे आगे।